जिला जांजगीर चांपा के अकलतरा विकास खंड के छोटे से गांव कोटमी सुनार सबरीपारा में सैनिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम दिनांक 29/9/2018 को रखा गया, जिसमें 35 सैनिकों को सम्मान पत्र एवं शील्ड के साथ सम्मानित किया। जो सैनिक नहीं पहुंचे उनके माता पिता को उनकी सम्मान पत्र दिया। इसी तारतम्य में कबड्डी प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा गया, जिसमें 48 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो इस प्रकार है: सेमरसाही, अमोरा, मोहतरा, मुड़पार, कोटमी सोनार, तिपरसती, भालूकोना, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, शक्ति, रायगढ़, कटघरी आदि 48 गांव के प्रतिभागी शामिल हुए थे, जिसमें से कोटमी सोनार महामाया प्रथम पुरस्कार 8,000 रूपए नगद और शील्ड के साथ पुरस्कृत किया गया। दूसरा है प्रसाही, 5,000 रूपए नगद और शील्ड के साथ पुरस्कृत किया गया। तृतीय पुरस्कार वॉरियर कोटमी सोनार को नगद 3,000 एवं शील्ड से पुरस्कृत किया गया। चौथा पुरस्कार मुड़पार को 1,500 रूपए नगद और शील्ड से मुख्य अतिथि स्थानीय विधायक चुन्नी लाल साहू के द्वारा प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के आयोजक कोटमी सोनार वॉरियर्स के विनोद पाकले, प्रमोद पाकले, शुभम बघेल, तुषार भार्गव, दिलेश कुर्रे, संत कुमार धैर्य, वीरेंद्र लहरे के द्वारा किया गया, जिसमें से मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक चुन्नी लाल साहू, ग्राम पंचायत सरपंच संत कुमार नेताम, संदीप थवाइत, राधेश्याम थवाइत, वदूत खान और समस्त ग्रामीण उपस्थित थे। आज किसी गर्व से कम नहीं, साथ हमें गर्व है कि हमारे गांव के भाई सैनिक में भर्ती होकर देश की सीमा में भारत माता की सुरक्षा में लगे हैं। कहा सुनिए शुभम बघेल की जुबानी से। मेरा नाम शुभम बघेल। अच्छा भी आप यहां बताना चाहेंगे कि यहां पर कोटमी सुनार वॉरियर्स ये टीम आपके समिति में बनाए गए हैं और कबड्डी प्रतियोगिता कराए गए, इसमें कितने प्रकार की पुरस्कार थी? इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बेस्ट हेडर, बेस्ट कैचर, बेस्ट ऑलराउंडर। और ये आप फर्स्ट में कितना दिए हैं? फर्स्ट में 8,000 रुपये, वो भी माननीय जी विधायक चुन्नी लाल साहू के द्वारा। अच्छा, और ये टीम आप किस उद्देश्य से बनाए हैं? इस खेल क्यों कर किस उद्देश्य से करा रहे हैं? क्योंकि सैनिक सम्मान समारोह आज तक हमारे कोटमी सुनार में हुआ ही नहीं है। इतना बड़ा कोटमी सुनार होने के बावजूद यहाँ 40 की आर्मी की संख्या है, उसके बावजूद भी ऐसा कुछ सम्मान समारोह नहीं हुआ था। इससे हमारा एक और उद्देश्य था कि हम यंग पीढ़ी, युवा बैच जो है, उसको और प्रोत्साहन दे सके इस अवार्ड के माध्यम से, जो युवा पीढ़ी है उसमें और तेज दे सके। इस कारण हम लोगों ने इस संगठन का आयोजन किया। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से अपने कबड्डी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कबड्डी एक बहुत ही लोकप्रिय खेल है। जैसा कि आप जानते हैं 48 टीम आई थी, जबकि हम लोग ने 32 टीम लेने का सोचा था, बट बिना टीम के रिक्वेस्ट की वजह से हमको 48 टीम लेना पड़ा। इससे आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कबड्डी कितना ही लोकप्रिय खेल था। और देख सकते हैं आपकी कबड्डी मैच कराने में कितने की संख्या में उपस्थित होंगे दर्शक लोग? लगभग 500 1,000 2,000 दिन के हिसाब से गिने नहीं है। अच्छा, आप दो दिन कराए हैं, 29 और 30 को। हाँ। 29 सितंबर और 30 सितंबर को समापन किए हैं। उतना ही महत्व है जितना कि शिक्षा। हमें सबको खेल के लिए नई पहचान बनानी चाहिए ताकि गांव का नाम रोशन हो सके। कहा सुनिए दीपेश श्रीवास की जुबानी से। नाम दीपेश कुमार श्रीवास। अच्छा, अभी कबड्डी प्रतियोगिता कोटमी सुनार में हुआ है। हाँ। उसमें आप प्रथम आए हैं, और प्रथम आए हैं ये ग्रामीण स्तर था। हाँ। आप कितने आगे बढ़ना चाहते हैं? हम लोग तो यहाँ से लगभग इंटरनेशनल तक जाने चाहते हैं, लेकिन हमारे स्कूल से उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पाता। क्या आप स्कूल स्तर से ही जाते हैं या आप ग्रामीण स्तर से भी जाते हैं? यहाँ आपके गांव में जो मुखिया हैं वो आपको सहयोग करते हैं? ग्रामीण स्तर से तो जाते ही रहते हैं, लेकिन हमारे ग्राउंड में उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारे जो युवा से मतलब हमें कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, लेकिन जब मैच के समय हमें सहयोग मिलता है। अच्छा, आप बताएं कि आपके पास ग्राउंड नहीं है, तो क्या आप अपने गाँव के मुखिया को बोले कुछ? नहीं, ग्राउंड है लेकिन उसमें लाइट वगैरह का व्यवस्था नहीं है, ताकि हमें अधिक समय तक प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। आप अपने हुनर को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, हम लोग तो लगभग 4th क्लास से ही खेलना स्टार्ट कर दिया है, और उससे पहले कई प्लेयर हैं, सुधीर है, गजानंद है, और कई प्लेयर है जो कि जैसे सूरा, जो लोग जैसे कि बचपन से स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग अब बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट उतना ज़्यादा हमें नहीं मिल पाता है। थैंक यू। ऐसे तो अब गांव में कबड्डी जैसे खेल देखने को नहीं मिलता, और आज हमारे गांव में कबड्डी खेल के अलावा सैनिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम बेहद ही सराहनीय है। हमारे सैनिक भाई
के लिए कहा, सुनिए वदूद खान की जुबानी से। नाम? मेरा सुनाम है भूतपूर्व सैनिक अब्दुल वदूद खान। अच्छा सर, यहाँ पर सैनिक सम्मान समारोह रखा गया था, आपके में गार्ड ऑफ ऑनर दिए गए हैं और बताए जा रहे हैं कि आप ही के जरिए से और आपको मार्गदर्शन से हमारे गांव में 35 सैनिक है विभिन्न पद में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं तो ये चाहता हूँ, अभी तक कंपनी बनी है और आगे चल के पूरी बटालियन बनना चाहिए और कोटमी का नाम रोशन होना चाहिए। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, हमेशा देश का सेवा करें और एक सही सेवा करें जो इनके नाम रोशन हो। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे सर? आपकी चैनल में शुक्रिया अदा करता हूँ और आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया चैनल आप अपने रखें और ये सैनिक समायोजन का जो प्रोग्राम रखे हैं ये आगे बढ़कर बहुत ही अच्छी स्थिति में होना चाहिए, हम इनके सहयोग मिली। सभी गांव वाले सम्मान के लायक हैं जो हमारे सैनिकों के हौसले को बढ़ाने के लिए सैनिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रख सैनिकों को सम्मानित किया, जो एक हमारे गांव और विधानसभा के लिए बड़े गर्व की बात है। कहा, सुनिए स्थानीय विधायक की जुबानी से। शुभ नाम? मेरा चुन्नीलाल साहू, मैं अकलतरा के विधायक हूँ। सर, यहाँ पर कबड्डी हुए, अभी बढ़ते चुनाव को लेकर एक छोटे छोटे दौरा में जा रहे हैं, उसके बारे में एक कबड्डी की युवा संगठन है, इसको कहाँ तक पहुँचाएंगे और इसके बारे में? हाँ, ये लोगों का मेरा बुला हुआ था। हाँ, ये कार्यक्रम रखे थे और सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम था ये सैनिक सम्मान समारोह। हमारे देश के सैनिक इस गांव से हैं, हमारे बच्चे यहाँ से देश की सेवा करने में लगे हैं, उनका सम्मान बहुत बड़ा। कबड्डी का कार्यक्रम भी रखा गया था यहाँ पे, युवक काफी जोश के साथ काफी कार्यक्रम भी करी। सर, एक सैनिक सम्मान समारोह का ये आप क्या हर वर्ष कराना चाहते हैं सर? बिल्कुल होना चाहिए, इनका मनोबल हमेशा ऊंचा होना चाहिए और ऐसे ऐसे कार्यक्रम तो होते रहना चाहिए। हमारी कोशिश होगी कि ये निरंतर प्रति वर्ष ऐसा कार्यक्रम इनको सम्मान देने का बहुत अच्छा। हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे सर आप? हमारे चैनल के माध्यम से कुछ बताना चाहेंगे? आपका चैनल के माध्यम से कुछ बोलना चाहते हैं? हम संदेश देना चाहते हैं। हाँ, संदेश, ये देश की सेवा करते हैं और बहुत बहुत आपको बधाई, अब इसको दिखाया आप लोगों ने और अग्रिम आपको शुभकामना देते हैं कि आपका चैनल हमेशा और आगे निरंतर आगे बढ़े और हमारी ऐसे लाइफ दिनों दिन आप अच्छे से बढ़ाएं और लोगों का उत्साह वर्धन करते रहें। हमारी पहल मतदाता जन जागरूकता अभियान, आपका वोट आपका अधिकार, वोट करना भी एक तरफ की देश सेवा है, मतदान नहीं मताधिकार है। मेरा गांव मेरा खबर की ओर से जनहित में प्रसारित।